फोर व्हीलर स्कूटर। हाय गाइस, वेलकम टू फोर व्हीलर स्कूटर। से हाय एलाइना। हाय हाय एलाइना, आप सब लोगों को अपनी स्पेशल फ्रेंड से मिलवाना चाहती है। एग्जैक्टली, पास में आओ। एलाइना, इसका नाम क्या है, सबको बताओ। बताओ तो। वेरी गुड पप्पी सिस, गुड जॉब एलाइना, गुड जॉब। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एलाइना को थोड़ी देर पप्पी सिस के साथ, एलाइना आप सबको पप्पी सिस दिखाना चाहती है। ओके ओके, थैंक यू एलाइना, वेरी गुड जॉब। हाय, आपकी मुच्छी बनी हुई है। कम हियर, कम हियर, वेयर इज एलाइना मुच्छी। सो आज हम बात करने वाले हैं सी सेक्शन यानी सिजेरियन डिलीवरी के बारे में। सो बहुत सी फीमेल ने पूछा था सी सेक्शन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स गेट टॉकिंग अबाउट सी सेक्शन। पापेसिस दो हमारी। ओके, ये आप सब लोगों को देना चाहती है पापेसिस। Yes, so Alaina is busy with her puppy sis. I'm going to be talking about 4-5 major points about C-section and कैसे cutie सी baby हो जाती है after delivery. It doesn't matter normal delivery हो या C-section, क्योंकि जब आप ये छोटे से बच्चे को अपनी गोदी में लेती हो ना, it all becomes worth it. और बच्चा फिर बड़े होके आपकी गोदी से निकल लेता है। Tata Alaina, Tata. अच्छा पीको। So, Alaina का ये नया शुरू है, पीकॉक कैसे चलता है। Alaina, पीकॉक कैसे चलता है सबको बताओ। ऐसे ऐसे, कम ऑन, चलो वॉकी वॉकी, ऐसे ऐसे। ओके, सो पॉइंट नंबर वन, क्या मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए थी या सी सेक्शन डिलीवरी। मैं डेफिनेटली, मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ट्राई किया। मैं 200-200 स्क्वाट दिन में मारती थी ये सोचकर कि भैया नॉर्मल डिलीवरी होगी, बिकॉज मेरे घर में सबकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। सो एवरीवन वाज होपिंग एंड सेइंग कि भाई शिखा तो इतनी फिट है तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन लास्ट मिनट पे ऑब्वियसली जो लिखा है वही होना होता है। सो हम लोगों को सी सेक्शन करना पड़ा। बट उस टाइम पर तो मैं थोड़ी सी रोई भी थी क्योंकि मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। बट चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि मैंने पहले कहा, जब आप अपने बच्चे को अपनी गोदी में लेते हैं, इट इज ऑल वर्थ इट, कोई मैटर नहीं करता है। और बहुत से लोग सी सेक्शन को ऐसे ऐसे दे लुक डाउन अपॉन इट कि अरे तुम्हारा सी सेक्शन हुआ है, अरे मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ है एंड ऑल दैट। तो इसमें कोई झंडे गाड़ने वाली बात नहीं है, बिकॉज कुछ चीज़ें आपकी हाथ से और आपकी समझ से दूर होती है। द मेन पॉइंट इज कि आपको अपने बच्चे को सेफ रखना है और अपनी भी तबीयत को ऑब्वियसली ध्यान में रखते हुए यू शुड ऑलवेज चूज फॉर द बेस्ट एंड सेफेस्ट ऑप्शन फॉर योरसेल्फ, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन। ऑलवेज चूज द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर योरसेल्फ एंड योर बेबी। पप्पी सिस, मैं ले लूंगी इसको, तो मेरे को दे दो, मैं ले लूंगी। आई लव यू, बट एलाइना लव्स पप्पी सिस। हेलीकॉप्टर निकल गया, टाटा कर दो, ऊपर से चला गया टाटा। आई नो, एलाइना को हेलीकॉप्टर देखना बहुत पसंद है, तो जब भी यहाँ से, और हमारे घर से यहाँ से बहुत हेलीकॉप्टर जाते हुए दिखते हैं। सो वो जितने भी हेलीकॉप्टर आते हैं, एलाइना को आना है, देखना है, सबको टाटा करना है। आई थिंक हम सब ने भी वो बचपन में बहुत किया, टाटा एरोप्लेन बाय बाय, हेलीकॉप्टर बाय बाय, टाटा कर दो, टाटा। तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सी सेक्शन से रिलेटेड ये है कि जब पप्पी सिस, आज की पूरी वीडियो में आप कम से कम 1000 बार पप्पी सिस से मिल लेंगे, तो आप भी जान जाएंगे पप्पी सिस कौन है। सो अनदर थिंग एज आई वाज सेइंग इज कि आपका यानी मेरा और फैमिली का रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि सी सेक्शन होने वाला है। नाउ इंडियन सेटअप में, एटलीस्ट हमारे इंडियन साइकोलॉजी और मेंटेलिटी में, सी सेक्शन को अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत सी लेडीज को बड़ा ये होता है, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, अच्छा तुम्हारी सी सेक्शन हुई है, ओह, सो वो ऐसा सोचते हैं। यस,
सो ऑब्वियसली बिकॉज अब एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड फैमिली है, सो मेरी फैमिली ने ऑब्वियसली सपोर्ट किया कि जब डॉक्टर ने बताया कि सी सेक्शन, क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन थी दिमाग में नॉर्मल डिलीवरी होने को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी रिकवरी थोड़ी जल्दी होती है. बट जब मुझे डॉक्टर ने सी सेक्शन के बारे में बताया था तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, मैं रोई हुई थी. और बट फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. इसमें फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है. अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, अगर मेजॉरिटी, अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, तो आप कोई भी बैटल जीत सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है. सो उस टाइम पर जब हमें डॉक्टर ने बताया था तो करण ने बहुत सपोर्ट किया, करण की फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, बस माँ और बच्चा दोनों के दोनों स्वस्थ होने चाहिए और सही टाइम पर सही चीज़ें हो जानी चाहिए. दैट इज ऑल दैट मैटर्स. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सी सेक्शन, बहुत से लोग सी सेक्शन, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे हॉस्पिटल में पता चली थी. डॉक्टर ने पूछा कि कोई अगर स्पेशल दिन है, कोई स्पेशल टाइम है जब आपको करना हो सी सेक्शन. आजकल लोग बड़े ये कुंडली और ये मुहूर्त वगैरह देख के करते हैं एंड ऑल दैट. सो मुझे तो ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, बिकॉज करण और मैं इन सब चीज़ों में इतना विश्वास नहीं रखते. वी बिलीव कि जब बच्चे की किस्मत होगी वो तभी आएगा एंड ऑल दैट, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में तो ऐसे ही होता है ना, आप इतना कोई प्लानिंग थोड़ी ना कर सकते हो. कभी कभी लेबर एक घंटा होता है, कभी कभी एक दिन होता है. सो दैट वेज वी वर वेरी शॉक्ड. तो उन्होंने बोला हॉस्पिटल में जब हम गए थे तो उन्होंने बोला आपको भी स्पेशल डे, स्पेशल टाइम, ये स्पेशल ऑफर, ये स्पेशल पैकेज, वो सारी चीज़ें उन्होंने ऑफर की थी. यस, ओ अपने पप्पी चीज को वहां बिठा दिया. और सबको बोलो वेरी गुड जॉब. आपकी कैसी भी डिलीवरी हो, चाहे वो नॉर्मल हो, सी सेक्शन हो, यू नो सक्शन हो या कुछ भी हो, यू ऑल आर गोइंग टू डू अ गुड जॉब जब तक आप स्वस्थ रहें और आपका बच्चा स्वस्थ रहे. हाँ मेरा बच्चा, शोना कहाँ चले आप, कहाँ चले? पप्पी सीज गिर गई, अलाना गिरते गिरते बच गई. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिकवरी ऑफ सी सेक्शन. जनरली नॉर्मल डिलीवरी में आपको अगले दिन छुट्टी दे देते हैं, लेकिन सी सेक्शन में एटलीस्ट आपको 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखते हैं. तो हम लोग भी हॉस्पिटल में 3 दिन रहे थे. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 दिन के बाद भी सबको छुट्टी मिल जाए. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि बच्चे के सारे पैरामीटर्स, वेट गेन और यू नो ऑक्सीजन लेवल, वो सारी चीज़ें सही हो या ना हो, माँ ठीक है कि नहीं. बट हम लोग 3 दिन के बाद ही घर पर आए थे. इट कम होम आफ्टर 3 डेज. और गोकू ने जब पहली बार अलाइना को छोटे से उसमें ऐसा लगा था, उसको लगा था हम उसके लिए कोई टॉय लेकर आए हैं. तो वैसे कूद कूद के देख रहा था कि ये टॉय मुझे दे क्यों नहीं रहे हो. और उसका रिएक्शन बहुत ही फनी था गोकू का. और उसने ज़्यादा भाव नहीं दिया. फिर हमने ऑब्वियसली अलाइना को कमरे में कॉट के अंदर रखा था. और गोकू को समझ नहीं आ रहा था कि एक नई स्मेल है लेकिन क्या चीज़ है. लेकिन सबसे फनी गोकू ने तब किया था जब अलाइना ने पहली बार पॉटी की थी, तो वो पूरे घर में करता हुआ सूंघ रहा था, ये कहाँ से स्मेल आ रही है, ये गग्गू ने पॉटी की थी, इसने अलाइना ने की थी ना, अलाइना ने कैसी की थी पॉटी. और गोकू भी कहते पूरे घर में सूंघ रहा था. दैट वॉज द फनीएस्ट. बड़ा ही धीरे 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 दोनों की दोस्ती हो ही गई है टू एन एक्सटेंट. हाँ, अलाइना को गोकू के साथ खेलना है, लेकिन गोकू को अलाइना के साथ नहीं खेलना, उसको सिर्फ सोना है. हाँ बच्चे, चोई चोई, अलाइना रिंगर रिंगर रोजेज कर रही है. एंड ऑल फॉर डाउन. वेरी गुड, कितना बड़ा हो गया तू मेरा बच्चा. मम्मा रो देगी, छोटा मम्मा रो देगी. सो वेरी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हॉस्पिटल रिकवरी तो ऑब्वियसली 3 दिन की, लेकिन उसके बाद सी सेक्शन के लोगों को कितना टाइम तक ध्यान रखना है. सो जनरली डॉक्टर से कि 6 महीने तक आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, स्टिचेस का ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं उठानी है, बहुत ज़्यादा कसरत मत कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए. लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप ठूस ठूस के खाते रहिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप लेटे हुए रहते हैं. एकदम सी सेक्शन के बाद आप मसाज नहीं कर सकते हैं. जनरली प्रेगनेंसी के बाद वो मसाजेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के ही सारी चीज़ें करें. कब आप मसाज शुरू कर सकते हैं, कब आप वर्कआउट शुरू कर सकते हैं,
हैं, आपका क्या डाइट होना चाहिए वो एक डाइटिशियन से पूछ सकते हैं, नहीं तो हेल्दी खाना खाइए। ऐसे कटोरी भर भर के सांधिया, पेड़े, लड्डू और ये ऐसे सब कुछ मत खाइए। ये बोलते हैं कि दूध की वो बढ़ाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन साथ में इतना फैट भी बढ़ाते हैं। अब मुझे ही ले लीजिए, मतलब कितना वजन मैंने पुट ऑन कर लिया था, लेकिन मैंने एक चीज़ का ध्यान रख रहा था कि डिलीवरी के बाद मैं सोच समझ के खाऊं। जैसे लड्डू भी जो होते थे, गोंद वाले लड्डू और मेथी वाले लड्डू, वो दिन में मैं एक ही खाती थी, तो दैट इज देयर। एंड ये तो बची, बच गए भाई बच गए। मंकी सिंह क्या हो रहा है आज, घूमड़ घूमर घूमर घूमर। सो 6 months आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद फिर धीरे 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 आप अपना वर्कआउट शुरू करें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक बच्चे के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान दें, थोड़ा वक्त निकाले खुद के लिए दिन में, चाहे वो आधा घंटा हो, टेक दैट टाइम आउट। और उस आधे घंटे में आप चाहे बुक पढ़े, चाहे आप गाने सुने, चाहे आप आँख बंद करके लेट जाइए, या अपनी फ्रेंड से बात करिए, अपनी फैमिली से बात करिए। Yes, फिर से आपने बिठा दिया पप्पी सीज को। वो मी टाइम जो होता है ना हर माँ के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एंड इट रियली डज वंडर फॉर योर रिकवरी ऑल्सो। क्योंकि अगर उस टाइम पर इतना हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं, आपको इतना कुछ फीमेल्स डिप्रेशन में चली जाती हैं, सो वो आधा घंटा या एक घंटा जो आप निकाल सकते हैं अपने लिए, दैट कीप्स यू मेंटली हेल्दी। तो अगर माँ खुश होगी तभी तो वो बच्चे को खुश रख पाएगी, है ना? और ये जब बच्चा होना तो मम्मी हमेशा ही खुश रहती है। So that is very very important points for recovery of C-section guys. वो 6 महीने are super important. आपसे बात कर रही हूँ मैं, अलाइना बात नहीं करने दे रही मुझे आज। आज ये अलग ही जोन में है लड़की। हाँ जो ना कुजी दफा, आई दफा ले, थक गया मेरा बच्चा कि नहीं थका? अच्छा अच्छा बस बस बस। अच्छा कुछ और बताना है आपको C-section के बारे में? नहीं बताना अलाइना को, नहीं कह रही नो नहीं बताना। वो मम्मा को तो बताने दो ना सबके बारे में, मम्मा को बताने दो मम्मा के साथ साथ क्या क्या हुआ था। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स, और कुछ ऐसी चीजें जो खास सी सेक्शन वाले लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको प्रेशर दे के ऐसे स्क्वाट करके नीचे नहीं बैठना है, बिकॉज वो स्टिचेस पर जोर आता है। अरे बच्चू आराम से, ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, एंड यू हैव टू ट्राई एंड मेक श्योर कि आप ज़्यादा वजन भी पुट ऑन ना करें। अब ये चीज़ आपको बहुत से लोग नहीं बताएंगे, लेकिन वजन पुट ऑन करने का भी आपकी स्टिचेस की रिकवरी, आपकी बॉडी की रिकवरी पर बहुत असर पड़ता है। और उससे क्या होता है, व्हेन यू पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, तो जहाँ पर आपका सी सेक्शन का कट होता है उसके ऊपर वजन लूज करने के बाद एक बहुत ही अजीब सी ऐसे फ्लैबी सी लटकी हुई स्किन हो जाती है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। एक तो फील गुड फैक्टर नहीं आता है आप जब खुद अपने आप को शीशे में देखते हैं, एंड सेकेंडली आई थिंक यू नो इट इज़ नॉट नाइस एनी वे। सो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप खास ध्यान रखें। हाय आज आप क्या कर रहे हो? यस आज आप कार्डियो कर रहे हो, आज ये पूरे घर में वॉक कर रही है आज हमारी अलाइना। हाँ अलाइना टाटा, किसको टाटा कर रही है? सो अलाइना है कार्डियो और फिटनेस के मोड में, और हम भी बात कर रहे हैं कि आपको भी अपनी तबीयत का, फिटनेस का, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। आ गई थी। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यू हैव टू लव योर सेल्फ बिफोर लविंग समवन एल्स, ये मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है। सो खुद को प्यार करें, खुद के लिए टाइम निकालें, और तभी आप खुश रहेंगे, तभी आप सबको खुश रख पाएंगे। सो दीज आर फ्यू बेसिक चीज़ें जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। सो आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एंड बम बट टेक केयर। यस अलाइना, वी ऑल फॉल डाउन के बाद वी ऑल लाई डाउन भी हो गया। ओके हाय पप्पी जी, ओके चलो गाइस, सी यू लेटर एलिगेटर, बाय 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 बाय। अलाइना टाटा कर दो तो सबको, टाटा, हैड फन, सी यू गाइस, सी यू लेटर। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फोर व्हीलर स्कूटर एंड लीव अ कमेंट बिलो। अगर आप भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, प्लीज शेयर विद अस, वी वुड लव टू हियर इट, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव ऑलवेज।